हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। विष्णु पुराण का एक बहुत ही फेमस श्लोक है, विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वो है जो एक व्यक्ति को फ्रीडम देती है। मात्र इन तीन शब्दों से ही हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन का किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। एजुकेशन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, दूसरा कोई भी एलिमेंट इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। एजुकेशन ही है जो व्यक्ति के बेसिक फाउंडेशन का निर्माण करता है, जिसके आधार पर ही उस व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान अर्जित किया है, उसके नेक्स्ट शेप को हम इसके द्वारा हमारी आने वाली जनरेशंस तक ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे कल्चर को ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे नैतिक मूल्यों को, कर्तव्यों को ट्रांसफ़र करते हैं। जो आने वाली जनरेशंस होती हैं, उस तक हमारा अर्जित ज्ञान ट्रांसफ़र करने का एकमात्र साधन है एजुकेशन। इस लिहाज से एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो ये जाने कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेयर है कि नहीं, हर किसी तक उसकी पहुंच है कि नहीं, वो सबको उपलब्ध है या नहीं है, वो ज्ञान को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम है भी या नहीं। साथ में ही एजुकेशन सिस्टम को इतना सक्षम भी होना चाहिए कि वो समय के साथ में चल रही अवधारणाओं को भी अपने आप में एसिमिलेट करता हो। भारत सरकार ने नए भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी को 2020 में लॉन्च कर दिया था। हर व्यक्ति को इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब आप अवेयर होंगे, तभी आप अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में अवेयर कर पाएंगे। तो ब्रिस्क लर्निंग सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक NEP के बारे में सामान्य लोगों को अवेयर करने के लिए एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। आप सबको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हम इसमें NEP के बारे में हर बारीकी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे स्टूडेंट, हमारे टीचर्स या फिर पेरेंट्स के ऊपर सीधा इम्पैक्ट डालती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।